अमल क्या हुआ तुम्हें? अमल आंखें खोलो। खादिम हुसैन। अमल अमल आंखें खोलो अमल। जी साहब। जी खादिम हुसैन, घर वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं सब? सब घर पर तो कोई भी नहीं है। अमल बेबी को क्या हुआ? मेरे आने से पहले बेहोश थी, आंखें बंद है। तुम पानी लेकर आओ जल्दी से। अभी लाया जी। अमल अमल आंखें खोलो। अमल एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। अमल क्या हुआ तुम्हें? पानी पियो। वो कोई कोई मेरे रूम में था, उसे वो भाग के से पकड़ो। वहाँ कोई भी नहीं है, रिलैक्स। नहीं कोई था, मेरे रूम में था, वो मुझे मारने के लिए आया था, मैं वही कातिल था, उसे पकड़ो। वो बाहर गया खादिम हुसैन से ढूंढो जाकर। अमल रिलैक्स, मैं देखता हूँ। नहीं मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मास्क पहना हुआ था, वो रूम से बाहर भाग गया। मैंने देखा खादिम हुसैन, आप जाके देखिए बाहर। मैम वहाँ कोई नहीं, मैं वहीं से आ रहा हूँ। देखा और आप कहाँ थे? घर की लाइट कैसे ऑफ होगी सारी? मैं तो अपने क्वार्टर में ही था, मैं अंधेरा देख कर ही तो लाइट जलाने आया था। खादिम हुसैन साहब, घर का एक फेज बंद था। एक फेज गया हुआ था मतलब? यकीनन ही उसी ने ऑफ किया होगा। आपको गलतफहमी हो रही मैम, वहाँ कोई भी नहीं है। अमल घर में आने का एक ही रास्ता है, मैं अभी अभी बाहर से आ रहा हूँ, अगर कोई होता तो मुझे नजर आ जाता। आई थिंक तुम नींद में डर गई हो, यू जस्ट रिलैक्स। खादिम हुसैन, दिलशाद मैडम के बेडरूम में साइड ड्रॉअर में एक फाइल है, वो मुझे ला दो। अभी लाया जी। अमल उठो यहाँ से, आओ आराम से, आराम से आओ, चलो ध्यान से, ध्यान से चलो बैठो। अमल तुम्हारे पाँव में चोट लगी है। उस शख्स को देखकर भागी थी तो सीढ़ियों से पाँव स्लिप हो गया था। मानो कहा है, मैं पानी गर्म करवाता हूँ। पानी गर्म? हॉस्पिटल तो तुम मेरे साथ जाओगी नहीं, नमक वाले पानी में इस पाँव को रख लोगी तो सूजन नहीं होगी, अगर सूजन होगी तो दर्द बढ़ जाएगा। मानो नहीं है घर पे। ठीक है, मैं पानी खुद गर्म करता हूँ। नहीं रेहान, देखो मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? पाँव में तुम्हारे चोट लगी है, खड़ी तुम हो नहीं सकती, चल नहीं सकती, इस वक्त घर में कोई नहीं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और उस पर तुम्हारी ये जिद, नफरत की भी कोई हद होती है? अमर मैं बच्ची नहीं हूँ रेहान, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सब फाइन। खादिम हुसैन, आप एक बर्तन में नमक वाला पानी गर्म करके ऊपर रूम में ले आइएगा प्लीज। जी बेहतर। अब तुम भी जाओ। तुम आज भी जीती हो। मेडिसिन ले लेना अपनी, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। शेहान मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं रख लूंगी अपना ख्याल। एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं कर सके। मैम मैं तो मौके की तलाश में था, मगर मेरे पहुंचने से पहले ही वहां कुछ हो चुका था। अमल बीबी बेहोश पड़ी थी, लाइट बंद थी और फेस भी गिरा हुआ था,
हाँ तो तुम्हारे डराने की वजह से बेहोश हुई होगी ना। पता नहीं, मैं तो वहां पहुंचा ही नहीं था और मुझसे पहले रेहान सर वहां पहुंचे हुए थे। What? रेहान? वो वहां क्या कर रहा था? वो मेरा ख्याल है दिलशाद मैडम ने फाइल देने के लिए भेजा था उनको। उसे कहीं तुम पर शक तो नहीं हुआ? अरे जब मैंने डराया ही नहीं तो शक कैसा। तो फिर अमल कैसे बेहोश हुई? अंधेरा था, हो सकता है सीढ़ियों से पांव स्लिप हो गया हो। ठीक है, मैं बाकी का प्लान बाद में बताऊंगी क्या करना है। अभी फिलहाल मेरे और जहीन के लिए कॉफी लेकर आए। और हाँ, बार बार ना मुझे फोन मत किया करें, किसी ने देख लिया ना तो खामखा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है मैडम, ओके, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। जाओ। I can't believe हानिया, तुमने आज जो कुछ किया वो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्यों किया तुमने? क्यों तुमने राफे के साथ ऐसा किया? नहीं नहीं बासिल, मैंने जानबूझ के नहीं किया। I'm really sorry, मैं माफी मांग रही हूँ। हानिया, तुम्हें अंदाजा भी है आज तुमने कितनी गलत हरकत की है? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और वो सोनिया आंटी और राफे तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, और तुमने उनके साथ भी बुरा किया। और मैं, मुझे शर्मिंदगी हो रही है खुद पे कि मैंने तुम्हारा साथ दिया और राफे को बुरा भला बोला, और पापा के सामने भी मैंने तुम्हारी साइड ली और राफे को गलत ठहराया। नहीं नहीं वैसे मैं बस तो स्टॉप इट हानिया, तुमने आज मुझे मेरे पापा के सामने शर्मिंदा किया है और ये मैं भूल नहीं सकता। नहीं बासिल प्लीज मेरी बात सुन लो।